फॉर एग्जाम्पल, आप किसकी इबादत करते हैं? गुरु ग्रंथ साहब की आप इबादत करते हैं, यू वर्शिप दैट। आप जो है आदि ग्रंथ को जो है, गुरु ग्रंथ साहब को जो है, आप जो है लिविंग गुरु बोलते हैं, करेक्ट? और उसकी इबादत करते हैं आप। सो व्हेन यू से यू वर्शिप दैट, व्हाट डू यू मीन व्हेन यू से यू वर्शिप? मतलब रिस्पेक्ट करते हैं, हाँ, आप उससे इबादत करते हैं, आप उससे मदद तलब करते हैं, आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं, करेक्ट? राइट। तो आप जब बोल रहे हैं कि खुदा ताला एक है जिसका कोई इमेज नहीं है, लेकिन जब आप, लेकिन जब आप गुरु ग्रंथ साहिब की इबादत कर रहे हैं, तो आप आपके कॉन्सेप्ट में कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहे हैं। नहीं, जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, हम कनेक्ट करने लिए सभी बताया या कैसे? हाँ, तो मिसाल के तौर पे अब मैं आपको मिसाल देके बताता हूँ मेरे भाई, मैं आपको एक मिसाल देके बताता हूँ मेरे भाई के, एंड आई अप्रिशिएट योर पेशेंस, ओके, वेरी व्यवस्था की पेशेंस मेरे भाई। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मिसाल के तौर पे ये मेरे भाई है, इनको जो है मैं एक लेटर लिख के दिया आपके बारे में, मेरे भाई है, इनको मैं एक लेटर लिख के दिया आपके बारे में, कुछ मदद प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं आपको, ओके भाई, मैं आपको एक लेटर दे रहा हूँ इनके बारे में, और मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं इनको $5,000 दूंगा प्रॉमिस करके। आप क्या कर रहे हो, वो लेटर लेके लेटर की इबादत कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ थैंकिंग मी यू आर थैंकिंग द लेटर। तो हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, गौड़ा है, खुद थोड़े समझाएगा। हाँ, तो मैसेंजर भेजा, तो मैसेंजर को जब भी खुदा ने भेजा, मैसेंजर को जब भी खुदा ने, हाँ, वी डोंट वर्शिप द कुरान, वी डोंट वर्शिप द मैसेंजर। जो भी मैसेंजर आए, जो भी मैसेंजर आए, नो मैसेंजर्स एवर सेड, इट वॉज नॉट कमांडेड टू द मैसेंजर्स टू से दैट, टू वर्शिप देम इंस्टेड ऑफ ऑलमाइटी गॉड। जो भी मैसेंजर आए मेरे भाई, द रीजन फॉर सेंडिंग द मैसेंजर्स वॉज टू tell the people that there is one God. Messengers would never say to worship them instead of Almighty God. Allah subhanahu wa ta'ala Quran Majid mein farmate hain, Allah subhanahu wa ta'ala Quran Majid mein farmate hain, surah Maida surah number 5 ayat number 72 ke andar, laqad kaffara alladhina qalu inna Allaha huwal masih ibn maryam, they blaspheme, they do kufr, those who say Allah is Christ the son of Mary, wa qala al-masih, but said Christ, ubudullah, worship Allah, rabbi wa rabbakum, who is my lord and your lord. To jo bhi paigambar aaye, वो सारे के सारे पैगंबर, वो सारे के सारे मैसेंजर, वो सारे के सारे प्रॉफिट्स, उनका मैसेज ये था कि एक रब की इबादत करो, बल्कि उनकी इबादत करो, नहीं बोले कभी भी। तो लोग क्या कर रहे हैं अक्सर, वही बताया मैं बुद्धा के बारे में भी, कि बुद्धा का मैसेज क्या था, सुक्का और दुक्का था, लोगों को बताना अच्छी चीजों के बारे में और बुरी चीजों से रोकना। लोग क्या करे, गलत समझ के बुद्धा की खुद की इबादत करना शुरू कर दिए। तो मैं ये बताता, तो जो मैसेज है, तो खुदा ताला जब कभी भी इंसान को भेजते हैं, एक इंसान को चूज करके, वो इंसान को जो है अल्लाह ताला मैसेज देते हैं, वो मैसेज क्यों देते हैं, गाइडेंस के लिए देते हैं, राइट? तो हम क्या करना चाहिए, ना तो वो प्रॉफिट की इबादत करना चाहिए, ना तो वो मैसेज की इबादत करना चाहिए। वी शुड फॉलो द मैसेज एंड द मैसेंजर एंड वर्शिप द गॉड, वर्शिप हु हैव इंट्रोड्यूस्ड यू टू दैट क्रिएटर। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप आदि ग्रंथ की जब आप इबादत करते हैं, जब आप वर्शिप करते हैं, तो आदि ग्रंथ तो एक मैसेज है, तो मैसेज की इबादत क्यों कर रहे हैं आप? मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपकी, अगर मैं आपको एक लेटर लिख के दिया, वो मैसेज है, समझिए, खुदा की तरफ से आदि ग्रंथ, मिसाल के तौर पर, ओके, आप जो है मैसेज की इबादत क्यों कर रहे हैं? मैसेज जिसने भेजा उसकी इबादत करिए ना। समझ में आया आपको बात? मैं सर कुछ बोलना चाहता हूं, प्लीज, आपने जो कहा मुझे काफी हद तक नहीं, मुझे आपकी जो थॉट्स हैं मुझे बहुत अच्छे लगे, समझ भी आए। अल्लाह ओपन योर हार्ट फॉर इस्लाम ब्रदर, या नहीं इस्लाम, ओके, सो पीपल बिलीव कि इस्लाम जो धर्म है, इस्लाम जो धर्म है वो एक टेररिस्ट का धर्म है, ऐसे वैसे, मैं 1% भी नहीं उसको एग्री करता। एंड दैट उसका रीजन की क्या है कि जो उसको कुर्बानी देने को क्या कहते हैं, सैक्रिफाइस, नो स्लॉटर, नहीं, जैसे इस्लाम में कहते हैं उसको, जैसे जिसके नाम पे लोगों को जाकर भड़काया जाता है, एक वर्ड, जिहाद, राइट, जिहाद का मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को मार दें, जिहाद का मतलब है अपने धर्म के लिए या लोगों को, भगवान के बंदों के लिए अपने आप को कुर्बान करना, नॉट कि लोगों को कुर्बान करना। ये आपके, ये आपका डेफिनेशन है क्या? ये मेरा डेफिनेशन, आपने जैसा समझा हुआ है, अब मैं आपको समझाऊं उसका एक्चुअल मतलब क्या है। हां बिल्कुल बिल्कुल, खत्म करो, उसके बाद मैं बोलता हूं। सो ये मेरी डेफिनेशन जिहाद की। एंड देन आपने जैसे कहा कि गुरु ग्रंथ साहब जी हैं वो भगवान, हम उसको क्यों वर्शिप करते हैं, ओके, सो अगर आप एक साइंटिफिक जी बात पे लेके जाएं हम इसको, कि अगर हम सपोज हमने आपको एक पेपर पे लेके दे दिया, बी पीसफुल, बी काइंड,
बी काइंड, आप उसको दिन में 3 टाइम पढ़ रहे हो, बी काइंड बी काइंड बी काइंड, मतलब 100-200 बार, ठीक है, अगले दिन फिर पढ़ रहे हो, आपने इसको 100 दिन हो गया आप इसको लगातार पढ़ रहे हो, सही, ठीक है, तो आपने बी काइंड का मैसेज पढ़ लिया, अब वो जो बी काइंड का मतलब है क्या है कि लोगों के लिए अच्छे रहना, तो वो आपके अंदर आ जाएगा, कभी तो वो, सही सही, समझ गया, आप असल में आप जैसे भी आप एक इंसान हो, आप एक काइंड काइंड हार्टेड बन जाओगे, सही सही, ठीक है, तो गुरु ग्रंथ साहब जी में जो लिखा है वो जिंदगी जीने के तरीके लिखे हैं, सही, कि जिंदगी कैसे जीनी है, हम किसी का नुकसान करके जिंदगी नहीं जी सकते, हमें नींद ही नहीं आएगी, मेरे जैसे बंदे को नींद नहीं आती, समझ गया मैं, समझ गया आपकी बात, तो गुरु ग्रंथ साहब ने जो लिखा है वो लिखा है कि हमने कैसे अपनी जिंदगी को जीना है, तो हम उसको क्यों वर्शिप करते हैं, इस जैसे वो रीजन है कि अगर हम उसको रोज पढ़ेंगे, अगर मैं पढ़ेंगे इज अ रॉन्ग वर्ड बट मैं चलो बोल रहा हूँ, अगर हम उनको रोज पढ़ेंगे तो हम उसको चाहे हम दिल से पढ़ रहे हैं चाहे नहीं पढ़ रहे, एक ना एक दिन एट द एंड ऑफ द डे हमें हमारे दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में एक चीज बैठ जाएगी कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, ये बात हमारी अच्छी है, ये बात हमें ऐसे करना है, भगवान ने हमें ऐसे करने का, इसकी भी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो उसमें हमें ऐसी चीजें करनी है, तो बट हमें पता है कि जो गॉड है, जैसे आप कह रहे हो कि गॉड अल्लाह एक है, हम भी यही कह रहे हैं, भगवान अल्लाह वाहेगुरु जो भी है वो एक है, जिसने इस यूनिवर्स को क्रिएट किया वो एक है, सही। अब अगर हम कह रहे हैं, आप कह रहे थे जैसे कि कुरान में ऐसे लिखा है कि कुरान का नहीं, हिंदू धर्म में जो भी धर्म है उनमें एक बार भी उनका अपना जिक्र नहीं आया, वो क्यों नहीं आया, उसका भी एक अलग रीजन है, वो है अगर हम अपनी आप की तारीफ करी जाएंगे तो हम अपने आगे वाले बंदे को समझा नहीं पाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, अगर मैं आपके बारे में कह रहा हूँ कि सर आप बहुत अच्छे आदमी हो, आपने एक ये जो काम कर रहे हो बहुत अच्छा, क्यों, क्योंकि पीपल हैव मिसकंसेप्शन अबाउट मुस्लिम्स कि हाँ वो दे आर बैड पीपल, ये आप मानो चाहे ना मानो, मैं मानता हूं, ये ट्रुथ है, ओके ओके, या पीपल हैव देयर ओपिनियंस, एनीवे पीपल दे हैव ओपिनियंस, एंड मेरा ओपिनियन नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ कि मतलब मोस्ट ऑफ कई बेवकूफ लोगों की वजह से ऐसे ओपिनियंस क्रिएट हो गए, सही, राइट, अब मैं नहीं कहूंगा कि वो जो बेवकूफ लोग थे वो मुस्लिम धर्म के थे, मैं बिल्कुल नहीं एग्री करूंगा, okay. वो मैं उनको किसी धर्म का नहीं मानूंगा, सही, ना वो सिखों के थे, ना वो हिंदुओं के थे, ना वो मुस्लिम के थे, वो इंसान ही नहीं थे, सही, वो इंसान का रूप नहीं थे, सही, मेरे लिए, सही, अब मैं क्या कहना चाह रहा था कि अगर हम रोज गुरु ग्रंथ साहब जी को पढ़ेंगे, हमारी बाणी को पढ़ेंगे, बाणी कहते हैं उनको, बाणी को पढ़ेंगे, तो हमें चाहे हम उसको दिल लगा के नहीं पढ़ रहे, चाहे हम उसको जिंदगी में अप्लाई नहीं कर रहे, बट एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं हम जाके उसको हाँ एक बार अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर करेंगे, राइट, चाहे कुछ भी हो जाए, समझ गया, ठीक है, तो हम गुरु ग्रंथ साहब जी को वर्शिप करते हैं ताकि हम उसको समझ सके उसमें क्या लिखा है, जिंदगी कैसे जीनी है, एक बारी में अगर हम मैथ्स की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वो एक बार में सॉल्व करके नहीं पता लगती, हमें वो बार बार करनी पड़ती है, वो समझ आती है, उसका कॉन्सेप्ट समझ आता है, उसके बाद हम उसको समझ गया प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो मैं आपके हो गया आपके पास एक छोटी सी बात हो गया मेरे भैया, आई एम सो सॉरी, नहीं नहीं दैट्स ओके, तो मेरा कहने का ये इतना सारा जो भी आप बोलेंगे फिर उसका जवाब भी देना पड़ेगा मेरे को, राइट, इतना लंबा बोलेंगे उतना लंबा जवाब होगा, फिर तो मैं क्या कह रहा था कि हम वर्शिप एक भगवान की करते हैं जिसने ये दुनिया क्रिएट की, जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें इस धरती पे भेजने का हमें जो कर्म था वो किया, वो भगवान ने किया, बट हमारी जो व्यूज हैं वो हम गुरु ग्रंथ साहब जी को मानते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें जिंदगी जीने, मैं समझ गया।